सतना के ग्रामीण इलाकों में गैस सिलेंडर और चूल्हे कचरे के ढेर में पड़े नजर आ रहे हैं। हितग्राहियों की माने तो महंगाई की मार और गैस सिलेंडर के बड़े दाम ने चूल्हे फूंकने को मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पीछे मंशा थी कि चूल्हे से निकलने वाले जहरीले धुएं से महिलाओं को निजात दिलाई जाए, लेकिन जमीनी हकीकत में ये मंशा पूरी होती नजर नहीं आ रही। उज्ज्वला योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए हम जिले के मैयर कस्बे के वार्ड नंबर 9 में हितग्राहियों के घर पहुंचे तो महिलाएं अभी भी चूल्हे में ही खाना पकाती नजर आई। महिलाओं का कहना है कि महंगे सिलेंडर भरवा पाना उनके बस की बात नहीं। हमारे पति इतनी तबीयत खराब है, वो घर में पड़े हैं, हम अकेले कम मजदूरी करने जाते हैं, अकेले काम करके आते हैं, 200 रुपए रोज का मिलता है, उसमें से हम बच्चों को पढ़ाएं कि गैस भरवाएं कि खाना बनाएं कि अच्छा उनको खिलाएं कि अच्छा पहनाएं कि अच्छा उड़ाएं। जनप्रतिनिधियों का भी मानना है कि उज्ज्वला योजना के तहत एक बार तो सरकार ने भरे हुए सिलेंडर लोगों को मुफ्त दिलवा दिए, लेकिन दूसरी बार किसी ने भी अपने पैसे से सिलेंडर नहीं भरवाए। महिलाएं अभी भी जंगलों से लकड़ियां काट कर ला रही हैं। लगभग 80-90% गैस चूल्हे ऐसे ही पड़े हुए हैं। उज्ज्वला योजना से जो मेरे वार्ड में सिलेंडर मिले हैं, जो मेरे को जानकारी है पूरे वार्ड में, वो एक बार उनको सिलेंडर भरा भराया मिल गया, उसके बाद आज तक वो 80% से 85% लोग हैं जो दोबारा कभी सिलेंडर भरवा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है कि वो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं तो सिलेंडर कहां से भरवाएंगे। महिलाओं के भले के लिए शुरू की गई उज्ज्वला योजना सतना जिले में सही क्रियान्वयन और दूरदर्शिता के अभाव में दम तोड़ती नजर आ रही है। महिलाओं को अभी भी जंगल से मुफ्त की लकड़ी लाकर या गोबर के कंडों पर भोजन बनाना ज्यादा आसान और सस्ता लग रहा है।